हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज शाहिद इकबाल टुडे स्टार्ट चैप्टर नंबर टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वी बेसिकली कवरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ एन फिजिक्स तो बेटा इसके अंदर सबसे पहली चीज बेटा जो आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखें फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनईक्वल वैक्टर्स सम कैन बी जीरो इज देखें आपको पता है कि इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है अगर हम इक्वल वेक्टर्स की बात करें तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब यह है कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड मतलब उनकी लेंथ भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो तब वो इक्वल होंगे अगर लेट सपोज एक बॉक्स है उस पर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों फाइव फाइव न्यूटन की हैं, अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है अगर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये इक्वल वैक्टर्स नहीं है वेक्टर्स इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो अगर दोनों में से एक भी चीज डिफरेंट होगी तो वो अन एकवल वैक्टर्स होंगे तो इन्होंने यहां पे अन एकवल वैक्टर्स कहा है और मिनिमम नंबर कहा है तो याद रखें कि अगर आपके पास टू वैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वो अनइक्वल होंगे तो वो आप एटलीस्ट तो हमें टू वैक्टर्स चाहिए तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे इन दोनों का वेक्टर सम जो है या रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा तो ये आ जाएगा आंसर टू आएगा इसका बी ऑप्शन लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर आप लोग करना चाहें देखें अगर वो आपसे कहता कि मिनिमम नंबर ऑफ वैक्टर्स वैक्टर्स विद अनवल मैग्नीट्यूड अन एकवल मैग्नीट्यूड अच्छा अगर वो अन मैग्नीट्यूड की बेटा बात करे तो इस केस में क्या होगा फिर आपने देखना फिर आपके ना अभी ऐसे यहां पे दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल थे लेकिन अब वो कह रहे हैं अनईक्वल तो इस केस में हमारा आंसर फिर थ्री आता अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो और वो कैसे लेट्स सपोज अगर ये बॉक्स है इस तरफ से एड हम एक्ट करवा रहे हैं टेन न्यूटन और इधर से है सेवन न्यूटन अब ये दोनों अन है मतलब मैग्नीट्यूड में एक का टेन है एक का सेवन है इसलिए ये कंप्लीटली अप होकर जीरो नहीं हो सकते तो हमें एक थ्री न्यूटन की और लगानी पड़ेगी तो हमें एटलीस्ट अगर हमारे फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो फिर हमें एटलीस्ट थ्री फोर्सेस या थ्री वेक्टर्स चाहिए उनको रिजल्टेंट uh, जीरो करने के लिए लेकिन हमारा जो आंसर था क्वेश्चन जो लिखा उसका आंसर बीटा बी ऑप्शन नंबर टू क्वेश्चन देखें बेटा नंबर टू क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टू एंड थ्री इज वन बेटा सिंपल है अगर आपके पास टू वैक्टर्स हैं एक आपके पास है वैक्टर जो कि टू न्यूटन का है और एक आपके पास वैक्टर है जो थ्री न्यूटन का है और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपके पास बेटा आ रहा है वन बेटा कॉमन सेंस सोचें रिजल्टेंट वन तभी होगा जब वो दूसरे से माइनस होंगे और याद रखें जब भी दो वैक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप क्या करते हैं कि आप लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर लेते हैं तो थ्री न्यूटन माइनस टू न्यूटन इज इक्वल टू आ जाएगा वन तो बेटा याद रखें थ्री या और टू थ्री न्यूटन एंड टू न्यूटन जब वो दोनों डायरेक्शन में हो और वो दोनों एक दूसरे को बेटा क्या कर रहे होंगे कैंसिल कर रहे होंगे तो इन दोनों में एंगल कितना आ जाएगा बेटा वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री विल बी दी आंसर अगर लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आता है कि एक वैक्टर है एट और एक वेक्टर है टेन और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बताएं इनका रिजल्टेंट कितना होगा तो कॉमन सेंस से बेटा लाजे में लोगे आप और आंसर आ जाएगा न्यूटन और इन दोनों में एंगल कितना है बेटा इस वक्त क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल आएगा वन एटी बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट इज अंडर रूट उठे वैक्टर प्रोडक्ट क्या होती है बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन बेटा ये जो ए बी साइन थीटा है ये हमारी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्निच्यूड है और यह उसकी है डायरेक्शन क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बेटा जो होती है वो क्या होती है एक वैक्टर होती है अच्छा अब कीप दिस इन माइंड अब आगे नेक्स्ट देखें क्या स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है स्केलर होती है बेटा मान लो एन डॉट बी करते हैं आप ये बन जाता है बेटा ए बी क्रॉस थीटा अब उन्होंने क्या कहा है? कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट मतलब जो ए बी साइन थीटा तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू है किसके अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ देयर स्केलर स्केलर कितनी है ए बी कॉस थीटा और आपको बताना है बेटा कि थीटा कितना होगा बिटवीन ए एंड बी हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी उसको यहां पे लिख लिया ए बी ए बी से हो जाएगा कैंसिल कॉज नीचे हो जाएगा डिवाइड तो साइन थीटा ओवर कॉज थीटा ये आ जाएगा बेटा अंडर उड थ्री और साइन ओवर कॉज क्या होता है बेटा दिस इज टेन और टेन की वैल्यू अंडर उ आपकी है और टेन की वैल्यू अंडर कब आती है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा सिक्सटी डिग्री और सिक्सटी डिग्री कितना होता है बेटा पाई बाय थ्री रेडियन तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर की बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बेटा ये है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि फॉर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब वो वो कह रहे हैं हैं टू वेक्टर्स और वो दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है लेट्स सपोज ये टू वेक्टर्स हैं अब इन दोनों की मतलब लेंथ इक्वल बनाई है मतलब उन्होंने बताया है कि दोनों वैक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है वो पूछ रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को एड करें और ए वन करें इनको ए और ए का नेम दे देते हैं तो यह आ जाएगा ए वन यह आ जाएगा ए टू और अगर इन दोनों को एड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड और जब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसकी मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है तो खुद इन दोनों में एंगल कितना होगा तो जरा देखें बेटा इसको जरा बड़ा करके यहां पे बना लेते हैं ये आपके पास ए वैक्टर ए वन ये आपके पास है ए टू अब जरा गौर करें अगर मैं ए वन और ए टू दोनों को एड करता हूं तो एड करने के लिए मैं रूल कौन सा यूज करूंगा हेड टू टेल रूल इस वाले को मैं यहां प्लेस कर दूंगा एज इट इज ना इसकी लेंथ चेंज करेंगे ना मैग्नीट्यूड तो मैंने ये क्या किया ए वन वैक्टर के हेड पर ए वन वैक्टर के हेड पे मैंने क्या प्लेस कर दी ए टू की टेल और याद रखें जब भी हेड और टेल ज्वाइंट होते हैं बेटा तो प्लस का साइन आता है अच्छा अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा फर्स्ट की टेल से टेल लास्ट के हेड से हेड तो बेटा ये है इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि क्या है ए वन प्लस ए टू अच्छा अब मुझे क्या करना है ए वन माइनस ए टू करना है मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं इस आ, अच्छा कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी है ना बेटा उसके लिए भी आप आ, करते तो हेड टू टेल रूल ही यूज है लेकिन उसमें ये करते हैं कि आप एक वेक्टर को नेगेटिव बना लेते हैं तो अगर ए टू ये है तो माइनस ए टू ये होगा क्योंकि आपको पता है बेटा कि किसी भी वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगाने पर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है अब इस माइनस ए टू के माइनस ए टू को यहां से निकाल के इसके ऊपर प्लेस करें यहां पर यह है माइनस ए टू और इसका फायदा क्या होगा जब मैं ए वन के हेड पर माइनस ए टू की टेल रखूंगा तो हेड और टेल के ज्वाइन होने पर प्लस का साइन आएगा तो ये बेसिकली क्या बन रहा है ए वन प्लस माइनस टू क्योंकि यहां पे ए वन प्लस तो हो रहा है लेकिन वो माइनस ए टू A2 से प्लस हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा तो ए वन माइनस ए टू तो याद रखें ये दोनों इक्वल है तो हमें जब भी एक वेक्टर में से दूसरे को माइनस करना हो तो हम करते ही है कि उस दूसरे वेक्टर को नेगेटिव बना लेते हैं और फिर उसको एड कर देते हैं तो वो प्लस माइनस माइनस बन जाता है।, तो है? है? तो है, है और अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये बार का साइन जो होता है ना ये मैग्नीच्यूड का मतलब होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू कब होगी जब खुद ए और बी आपस में ए वन और ए टू परपेंडिकुलर होंगे तो आप देख सकते हैं कि ए वन इधर था और ए टू इधर था तो ए वन और ए टू दोनों आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तभी उनका जो सम और डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपका ए वन इज परपेंडिकुलर टू ए टू नंबर फाइव क्वेश्चन देखें बेटा नंबर फाइव क्वेश्चन करने के लिए ना आपको मैं एक चीज बताता हूं देखें जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है ना इसकी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी बेटा ये है कि देखें अब लिखें दो वेक्टर्स हैं Q एंड P देखें Q एक अलग वेक्टर है देखें Q एक अलग वेक्टर है P एक अलग वेक्टर है ये दोनों अलग अलग दो क्वांटिटीज हैं जैसे ही मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा देता हूं तो यह बन जाता है क्यू क्रॉस पी क्यू क्रॉस पी दो क्वांटिटीज नहीं है ये एक क्वांटिटी है अब ये एक क्वांटिटी बन गई है तो क्यू क्रॉस पी होता किसके इक्वल है क्यू पी साइन थीटा इंटू एन अच्छा अब जरा देखें मैं आपको समझाना यह चाहता हूं वेक्टर प्रोडक्ट की यह प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट जिन दोनों वेक्टर से मिलकर बनती है उनमें से हर एक के साथ एंगल बनाती है 90 डिग्री तो Q क्रॉस P मिलकर बना है Q एंड P से तो ये जो Q क्रॉस P वेक्टर है इसका Q वेक्टर से एंगल भी 90 है इस Q क्रॉस P का हमेशा वेक्टर से एंगल भी 90 होगा और 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ये एन लिखा हुआ है इस एन को हम कहते हैं नॉर्मल यूनिट यूनिट वेक्टर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है और नॉर्मल का वर्ड फिजिक्स में यूज होता है एंगल 90 डिग्री को शो करने के लिए तो ये हमें बता रहा है ये N, ये N क्या बता रहा है कि जो भी वैक्टर प्रोडक्ट बनी है वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है तो ये पॉइंट आपने याद रखना है अच्छा अगली बात जब हम डॉट करते हैं तो डॉट में क्या होता है बेटा जब हम ए डॉट भी करेंगे लेट्स सपोज तो क्या आता है ए बी कॉज थीटा आपको पता है जब डॉट या स्केलर प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं तो कॉज थीटा आता है और आपको यह भी याद रखना है कि कॉज 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं अगर आपके पास ए और दो बी दो वैक्टर्स हैं एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब हम डॉट लेते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है क्यों तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और cos 90 डिग्री होता है जीरो तो डॉट भी बन जाता है जीरो इसलिए परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है अब इस पूरी बात को करने का मकसद ये था जरा देखें कि अब ये चीज हमारे पास है पी डॉट क्यू क्रॉस पी अभी मैंने आपको बताया है कि क्यू क्रॉस पी जो होगा क्यू क्रॉस पी क्यू क्रॉस पी के भी परपेंडिकुलर है क्यू क्रॉस पी पी के भी परपेंडिकुलर है तो अब जरा खुद कि ये 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 जो 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 है 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 वाला वाला और दोनों के बीच में एंगल कितना है नाइनटी डिग्री एंगल है और मैंने अभी आपको बताया है कि जब आप दो वैक्टर्स का डॉट करते हैं और अगर वो दोनों वैक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हूं तो कॉज नाइनटी होता है और कॉज नाइनटी जीरो होता है तो उनका डॉट जीरो हो जाता है तो याद रखें Q क्रॉस P क्यू के भी परपेंडिकुलर क्यू क्रॉस पी पी के भी परपेंडिकुलर और अगर मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट करूं तो उसका आंसर क्या आएगा जीरो तो ये क्यू क्रॉस पी और पी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट लिया तो जीरो आ गया नंबर सिक्स क्वेश्चन बेटा देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास जीरो ए ऑप्शन आ जाएगा नंबर सिक्स क्वेश्चन देखें दिस वैक्टर इज देखें किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ना आपको पाइथोग्रस लगाना होता है अगर वो IJ और आईजे की फॉर्म में हो अभी IJ की फॉर्म में है तो पहले आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें फिर आप y कंपोनेंट जो के वो भी है उसका भी बेटा स्क्वायर ले लें ले आप और आपके क्या बन जाएगा और इस पूरे का ले लें अंडर रूट क्योंकि पाइथोग्रस में ये होता है अब जरा देखें कि ये बन जाएगा वन बाई टू स्केर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये भी वन बाई टू का कितना आएगा one. तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरे वैक्टर का मैग्नीट्यूड वन है और ऐसा वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे हम कहते हैं यूनिट वैक्टर तो आ जाएगा बी ऑप्शन नंबर सेवन क्वेश्चन देखें बेटा नंबर सेवन क्वेश्चन के अंदर वो आपसे यह कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बेटा याद रखें जब भी ये वर्ड आएगा ना कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकाले तो जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा जैसे वो क्या लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए तो जिसका प्रोजेक्शन होगा उसी का थीटा वाला कंपोनेंट लेना है आपने तो तो बेसिकली वो वो ये ये पूछ रहे हैं आपसे तो होता है, अगर वो कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वो होता है बी कॉज थीटा तो जिसका भी प्रोजेक्शन लेना है उसी का कॉज थीटा लेना है आपने अब देखिए क्या करें आपको पता है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है ए डॉट बी और इज इक्वल टू क्या होता है बेटा वो ए बी कॉस थीटा हमने क्या फाइंड करना है दी प्रोजेक्शन ऑफ ए मतलब हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है तो ए कॉस थीटा ये फाइंड करना है तो हमने बी को जाके उधर डिवाइड कर देना है बी को उधर ले जा. तो ये क्या बन जाएगा ए डॉट बी ओवर नीचे आ जाएगा बी तो ये है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो ये आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा बीटा ऑप्शन नंबर एट क्वेश्चन देखे बेटा If a cross b is along x-axis, then a and b lie in. देखिए मैंने आपको पहले अभी बताया बेटा a cross b जो होगा a cross b होता क्या है ए बी साइन थी इन टू तो a cross b, a की भी परपेंडिकुलर है a cross b, b की भी परपेंडिकुलर है अब जरा खुद सोचें, अगर a cross b along x-axis है अगर a cross b की डायरेक्शन x-axis है तो अब कॉमन कॉमसेंस सोचे अगर ये पूरा वेक्टर एक्स एक्सिस में है और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है या तो वाई एक्सिस होता है या जी एक्सिस होता है इसलिए ए और बी वाई और जी एक्सिस में लाए करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस में है तो इनमें से कोई भी एक्स एक्सिस में नहीं हो सकता इसलिए एक्स वाले सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे तो सिर्फ आंसर कौन सा आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन वाई और जी प्लेन क्योंकि माइनस आई क्रॉस जे बेटा ये इस तरह ही है देखें एक वेक्टर अगर ए है और एक माइनस ए है तो आप देखें अगर किसी भी वेक्टर के साथ माइनस का साइन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है अगर प्लस ए राइट साइड पे है तो माइनस ए जो होगा बेटा वो लेफ्ट साइड पे होगा और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों में एंगल होगा 180 एटी डिग्री तो सेम वही है आई क्रॉस जे और यहां भी आई क्रॉस जे तो है लेकिन बाहर एक माइनस लगा होगा तो माइनस की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो वन डिग्री को पाई कहते हैं तो इसका डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा नंबर टेन देखें देखें आपने एक बात याद रखनी है बेटा कि इक्विलिब्रियम की ना दो कंडीशंस होती हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती हैं वो टू होती हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हम चाहते हैं कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो दो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल अगर ए जीरो होगा और अगर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जीरो होगा तो एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा जीरो होगा अगर आप किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो कर देंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी इक्विलिब्रियम की और अगर आप ये वाला कर देते हैं रिजल्टेंट टॉर्क जीरो कर देते हैं तो वो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी इक्विलिब्रियम की और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर बॉडी बेटा याद रखें किस में आ जाती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर कोई आपसे पूछे कि एक बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो कैसे आई है तो आप कहेंगे इफ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो और अगर आपने सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई की और रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू जीरो कर दी या एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा की वैल्यू जीरो कर दी क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो वो भी जीरो हो जाएगा तो उस केस में बॉडी आ जाती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अब यहां पर चूंकि उन्होंने पूछा हुआ है कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द दर्क आर इक्वल टू जीरो अगर वो कहते हैं फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हम लिखते सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो पर ए आता लेकिन अभी आंसर आपका बी है नंबर देखें बेटा नंबर इलेवन के अंदर आपके पास है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है फोर तो यहां लिख दें फोर दोनों वेक्टर्स की वैल्यू कितनी है टू एंड फोर और ये हमने थीटा निकालना दोनों के बीच में ए और बी के बीच में फोर से फोर कैंसिल यहां पर टू आएगा और टू इन टू कॉस थीटा

कि जो फोर्स होती है ना फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन लेकिन जो टॉर्क होती है टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन ये आपके पास मैस है लेकिन यहां पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर याद रखें फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है लीनियर एक्सेलरेशन अगर हम किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करती है टॉर्क अब ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज वेरी इजी जरा देखें अगर आपके पास एक वेक्टर है और उसकी वैल्यू टेन है और ये एंगल कितने डिग्री बना रहा है थर्टी डिग्री विद द वाई एक्सिस वाई एक्सिस के साथ बना रहा है ये वाई एक्सिस मान लें यह एक्स एक्सिस है अब आपने क्या करना है उसका एक्स कंपोनेंट बनाना है बताना है आपने मतलब आपने इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो एक कंपोनेंट बेटा ये बन जाएगा इसका और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा ये वाला होगा इसका एक्स कंपोनेंट मान लो इस वेक्टर को मैं ए का नाम दे देता हूं चले फोर्स है तो फोर्स को एफ कह देते हैं तो ये बन जाएगा बेटा एफ एक्स और ये है वाई कंपोनेंट जो कि एफ वाई है अच्छा याद रखें अगर तो आपको किसी भी वेक्टर का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दिया हो मतलब देखें यहां पे एंगल किस से टच कर रहा है एक्स एक्सिस अगर तो ऐसा हो तो फिर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू बेटा होती है एफ कॉज थीटा और वाई कंपोनेंट की वैल्यू होगी बेटा एफ साइन थीटा लेकिन अगर एग्जामिनर थीटा एक्स एक्सिस से नहीं देता बल्कि हमारे वाले क्वेश्चन की तरह वाई एक्सिस से थीटा दे देता है तो याद रखें फिर कंपोनेंट रिवर्स हो जाएंगे कॉज की जगह साइन आएगा साइन की जगह कॉज आएगा और ये जो आपका वेक्टर है एक्स ये है तो एक्स कंपोनेंट बट ये किसके बराबर बन जाएगा एफ साइन के और ये जो वाई कंपोनेंट है ये बन जाएगा एफ कॉज थीटा के अब हमारे वाले केस में एंगल वाई एक्सिस है इसलिए एक्स कंपोनेंट हमारा होगा एफ साइन थीटा और वाई कंपोनेंट बेटा हमारा क्या होगा एफ कॉज थीटा अब हमने चूंकि x कंपोनेंट बनाना है बताना है तो f साइन थीटा बताना है तो f की वैल्यू बेटा कितनी है टेन थीटा की वैल्यू थर्टी है तो 10 sin 30, और अब यहां पे देखें कि टेन साइन थर्टी की वैल्यू क्या होगी तो आप लोगों को पता है कि टेन साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू होती है तो टेन बाई टू करें तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास फाइव विल बी दी आंसर तो यहां पे हम लिख देंगे फाइव न्यूटन नेक्स्ट इसके बाद देखें जरा एरिया ऑफ पैरोलोग्राम इज इक्वल टू देखिये आपने पहले ये माइंड में रखना है कि पैरोलोग्राम है क्या चीज देखिये आपके पास यहां पे एक वैक्टर है ए वैक्टर है और ये दूसरा वैक्टर है ये बी है मैं बिल्कुल इसी बी को इधर भी बना देता एज इट इज इस तरह से और इस ए को मैं एज इट इज ऊपर बना देता हूं यहां पे ये ऐसे बन गया तो ये बेटा क्या बन गई है एक पैरोलोग्राम क्योंकि इसकी साइड जो है, वापस में है। अच्छा अब अगर मुझे इस पैरलोग्राम का एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मैं क्या करता हूं मुझे लेंथ तो ये विड्थ नहीं है, विड्थ हमेशा लेंथ के होती है। तो जो ये चीज है ना ये चीज तो अगर लेंथ की वैल्यू ए है तो विड्थ बी नहीं है क्योंकि बी तो किसी और एंगल पे है और विड्थ हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर होती है इसलिए हम क्या करेंगे जरा देखें अगर मैं इस बी के बना लू कॉम्पोनेट और मान लो ये बी का एंगल ये थीटा है। तो इस बी का एक कंपोनेंट बन जाएगा बी कॉज थीटा और जो ये वाला कंपोनेंट है इस बी वैक्टर का ये बन जाएगा बेटा बी साइन थीटा अब जरा आप मुझे बताएं बेटा कि बी कॉस थीटा जो कि इस बी का कंपोनेंट है और जो बी साइन थीटा है उन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो ए के परपेंडिकुलर है वो है बी साइन थीटा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b साइन थीटा और यहाँ पे लिख दूंगा a क्योंकि तो लेंथ की वैल्यू a के इक्वल है और विड्थ की वैल्यू b साइन थीटा के इक्वल है और आप देखें क्या बन गया? बन गया ए बी थीटा और आपको मैंने पहले बताया कि ए बी साइन थीटा क्या होता है ये मैग्नीट्यूड होता है किसका क्रॉस प्रोडक्ट का तो अगर हम किसी भी पैरलोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए याद रख सकते हैं कि अगर हम उसी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे उस पैरलोग्राम का तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस पैरलोग्राम के एरिया के इक्वल होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो पैरलोग्राम के एरिया के इक्वल होती है नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट बेटा डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल बेटा आपके पास पावर है पावर इज इक्वल टू होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी इसके बाद वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एफ डॉट डी इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डॉट एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टू एरिया इसलिए आ, ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट देखें बेटा आगे इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए कॉमन सेंस है अगर आपके पास ये एक नट है और ये एक स्पैनर है और ये इस तरह आके बेटा याद रखें ये जो स्पैनर होता है ना ये नट के अबाउट रोटेट करता है तो जो नट का सेंटर होता है उसी को हम कहते हैं पिविट पॉइंट या फिर हम कह देते हैं एक्सिस एक्सिस ऑफ़ ऑफ़ रोटेशन रोटेशन तो अगर बेटा आप यहां फोर्स लगाएंगे तो फिर तो ये नट रोटेट कर सकता है बट अगर आप फोर्स फोर्स पास करवाएंगे पिविट से तो पिविट्स जब आपकी फोर्स की लाइन पिविट से पास करती है तो टॉर्क का फार्मूला होता है मोमेंट आर्म इंटू फोर्स आपकी फोर्स से पास करेगी तो मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो 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 जाता है जिससे आपकी जो टॉर्क की वैल्यू बेटा वो कितनी जाएगी जाएगी जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो नंबर सेवनटीन देखे बेटा देखें इसके अंदर ये पूछ रहा है आपसे अ वेक्टर इन स्पेस बेटा जब कोई वेक्टर स्पेस में होता है तो हम आ, देखते हैं उसके वो स्पेस का मतलब ये है कि वो एक्स y और z तीनों कंपोनेंट्स उसके होंगे तो स्पेस में वेक्टर के पास तीनों कंपोनेंट्स होते हैं इसलिए ऑप्शन आएगा लेकिन अगर स्पेस की बजाय वर्ड आता प्लेन प्लेन का मतलब होता है बेटा सिर्फ एक्सिस तो अगर कोई वेक्टर प्लेन में होगा तो उसके पास एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई होगा फिर टू आंसर आता लेकिन स्पेस में वेक्टर के थ्री कंपोनेंट्स होते हैं तो थ्री आंसर आएगा चार्ली नंबर एटीन देखें बेटा नंबर एटीन के अंदर आपके पास यहां पे आ गया जे क्रॉस जे जे क्रॉस के याद रखें अगर आप एक रिंग बना लेते हैं और रिंग बना के यहाँ पे आगे लिख देते हैं इस तरह करके कि ये आ जाता है आई ये आ जाता है जे ये आ जाता है के तो जब आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर K आएगा जब आप के क्रॉस आई करेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू तो के इसके बाद जे क्रॉस के इज इक्वल टू तो करेंगे तो वो क्या आएगा आई उसके बाद आपके पास आएगा के क्रॉस आई इज इक्वल टू आ जाएगा जे तो आई जे जे के, के आई मतलब जब आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे ना तो प्लस में आंसर आएगा लेकिन अगर आप उल्टा चलें आप करें जे क्रॉस आई तो क्रॉस आई जब आप करेंगे ना तो जे क्रॉस आई आंसर तो अब भी के आएगा लेकिन साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि आप जब जे से आई की तरफ जाते हैं तो एरो के उलट जाते हैं तो ये तरीका आपने याद रखना देखें अब जे क्रॉस के है तो वो आई आएगा साथ में एक आई और भी है तो ये बन आई डॉट आई अब आई डॉट आई को कैसे ओपन करेंगे देखिये आपको पता है आई जे और के होते हैं यूनिट फैक्टर इनकी मैग्नीट्यूड वन होती है तो इस आई का होगा वन अगले वाले आई का भी मैग्नीट्यूड वन होगा और चूंकि डॉट है तो कॉज आएगा और चूंकि दोनों आई हैं इसका मतलब है दोनों एक्स एक्सिस में होंगे क्योंकि आई स्टैंड फॉर एक्स एक्सिस तो अगर दोनों एक्स एक्सिस में है तो दोनों पैरल होंगे दोनों में थीटा होगा जीरो और कॉज जीरो वन होता है वन वन इंटू वन तो ये आ जाएगा वन आई डॉट आई भी वन होता है और जे डॉट भी वन होता है और के डॉट के भी वन होता है अब इधर देखें ये आई डॉट आई कितना आ गया वन तो इसका आंसर आ जाएगा B ऑप्शन नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर नाइनटीन रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज बेटा याद रखें कि एडिशन में क्या होता है बेटा कि हम दो वेक्टर्स होते हैं उन दोनों को ऐड करते हैं और उन दोनों को ऐड करके उनका रिजल्टेंट बनाते हैं ये आपके पास आ जाएगा उसका रिजल्टेंट तो ये तो हो गया आपके पास एडिशन रेजोल्यूशन में क्या होता है कि रेजोल्यूशन के अंदर ये होता है कि आपके पास आपके पास कोई भी वैक्टर है और आप उसको स्प्लिट करते हैं उसको तोड़ते हैं उसको दो कंपोनेंट्स में अलग अलग करते हैं तो अब आपने क्या करना बेटा जैसे आपके पास एक वैक्टर ये वाला इसको हम दो कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ए में और बी में तो किसी एक वैक्टर को दो में तोड़ना उसे कहते हैं रेजोल्यूशन और जोड़कर एक बनाना वो होता है एडिशन। एडिशन तो अडिशन में जोड़ते हैं रेजोल्यूशन में तोड़ते हैं तो का रिवर्स कौन सा होता है? जब आपको टू गिवन होती हैं और आपको ये बताना होता है कि रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता तो आप क्या क्या, क्या करें पहले दोनों को ऐड किया करें ऐड करके कितना आ रहा है इसे कहते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट और अगर आप दोनों अगर आप बड़े में से छोटे को माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 5. इसे कहते हैं मिनिमम रिजल्टेंट तो याद रखें जब आपके पास टू वैक्टर्स के तो उनका सबसे बड़ा आंसर आ सकता है नाइनटीन जब वो दोनों ऐड होंगे और वो एक ही डायरेक्शन में होंगे और अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उन्हें सब करके तो उनका मिनिमम आंसर फाइव आ रहा है अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइव से लेकर नाइनटीन तक कुछ भी हो सकता है फाइव भी हो सकता है नाइनटीन भी और उनके बीच में भी हो सकता है लेकिन नाइनटीन से बड़ा या फाइव से छोटा पॉसिबल नहीं है तो नाइनटीन से बड़ा या उससे छोटा पॉसिबल नहीं है फाइव से लेकिन ये पॉसिबल है तो इसलिए वो कह रहा है कैन नॉट विथ बोथ आ जाएगा ए एंड बी क्योंकि थ्री एंड ट्वेंटी दोनों पॉसिबल नहीं है रिजल्टेंट के लिए नेक्स्ट इसके बाद आपके पास बेटा चीज आ जाती है ट्वेंटी वन में जरा देखें

आपके पास ये ऊपर वाला जो है, वो एंटी है। तो जब आपका कर रहा था। और जब आपने फोर्स लगाई तो अब ये घूम रहा है आपका कैसा बेटा क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फोर्स को रिवर्स करते हैं और जब आप फोर्स की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं तो जो टॉर्क होती है वो भी ऑपोजिट हो जाती है तो क्योंकि पहले एंटी क्लॉक मोशन हो रही थी अब कैसी मोशन होना शुरू हो जाएगी Clockwise, इसका मतलब यह है कि वैल्यू तो टॉर्क की सेम ही रहेगी लेकिन जो आपके पास उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस सी ऑप्शन आएगा नंबर ट्वेंटी टू देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लेट देखें अगर आपके पास एक ट्राइंगर प्लेट है तो लेट्स ये आपके पास मैंने ट्राइंगल बना दी यहां पे इसमें देखें क्या करना है आपने के आपके पास आ, इसका सेंटर ऑफ मैथ कैसे फाइंड होगा ये तो सेंटर से से करनी है जो, जो इधर जाके हो इस पे टच हो और एक इस कॉर्नर से ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आए मतलब तीन कॉर्नर है हर कॉर्नर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टच करनी है आके किसी भी बेस को सामने सरफेस पे इन लाइनों को कहते हैं मीडियंस तो जहां पर तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो आपके पास होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास आगे विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो तो बेटा आप जरा देखें इसके अंदर क्या हो रहा है आई क्रॉस जे ये बराबर के के आई डॉट आई ये वन है और जे क्रॉस के ये होता है आई और आई डॉट आई अगेन देखें ये वन है. इसमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं है तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास आ जाएगा कोई भी जीरो नहीं है इसमें से नेक्स्ट देखें बेटा इसके बाद अ फोर्स ऑफ टेन न्यूटन इज मेकिंग नाइन्टी डिग्री विद एक्स एक्सिस यहां पे एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है एक्स एक्सिस के साथ तो ये वाई है बेटा ये एक्स है और यहां पे आपकी जो फोर्स है वो गिवन है आपको एक्स एक्सिस के साथ तो बेटा यहाँ पे आप वेक्टर बना देंगे बेटा ये वेक्टर आपके पास है टेन न्यूटन का और अच्छा नहीं इन्होंने यहां पे ये यह भी कहा हुआ है कि द फोर्स इज मेकिंग नाइन्टी डिग्री विद द एक्स एक्सिस मतलब ये ऐसे है फोर्स ये एक फोर्स है और इस फोर्स को मैं एफ कह देता हूं इसकी वैल्यू टेन है और इस फोर्स का एक्स एक्सिस से एंगल नाइन्टी है तो कॉमन सेंस है बेटा अगर किसी फोर्स का एक्स एक्सिस से एंगल एग्जैक्ट नाइन्टी है इट मीन वो इंटायरली वाई एक्सिस में है और अगर वो इंटायरली वाई एक्सिस में है तो उसका एक्स कंपोनेंट कोई नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में वो जरा भी नहीं है इसलिए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी बेटा जीरो नेक्स्ट इसके बाद देखें बेटा क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव के अंदर बेटा ये है कि आपके पास आपने बताना है कि कौन, ये सारी बेसिकली ना कबर्ड है ये आप ना मतलब यहाँ पे बुक्स रखी हुई आपने वो आपसे पूछ रहा है कि ज्यादा स्टेबल जो है ना बुक केस कौन सा है बेटा स्टेबल ज्यादा वही होता है जिसका सेंटर ऑफ मैस लो तो सेंटर ऑफ मैस लो होगा तब वो स्टेबल होगा लेकिन हमने कौन सा फाइंड और वो और वो इजिली फॉल नहीं करेगा लेकिन हमने कौन सा करना है विच बुक केस इज मोस्ट लाइकली टू फॉल इफ पुल्ड अ लिटल मतलब अगर जरा सी एफर्ट से कौन सा गिर सकता है मतलब लीस्ट स्टेबल कौन है बेटा लीस्ट स्टेबल चीज वही होती है इसका सेंटर ऑफ मैस हाई हो

इसलिए सबसे ज्यादा इजिली इसके फॉल होने के चांस होंगे ए ऑप्शन आएगा बेटा नेक्स्ट देखें इसके बाद ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन बेटा आपके पास जो है ना ये कपल का है। और टॉर्क बाय कपल जो होती है ना इसका फार्मूला होता है बेटा कोई सी एक फोर्स ले लेते हैं आप और दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कौन सा लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस बिटवीन फोर्सेस ये होता है फार्मूला बेटा देखें ये जो आपके पास एक स्केल है इस स्केल की लेंथ कितनी है टू मीटर मतलब ये है टू मीटर इस पूरे की लेंथ जो है ये टू मीटर अच्छा अब आपको इस कपल की टॉक लगानी कपल कैसे है क्योंकि दो न्यूटन राइट साइड पे है दो लेफ्ट पे है तो ये कपल है अब जरा देखिए आप यहां पे बेटा पुट करेंगे टू न्यूटन और अब आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है बेटा तो अब दोनों में से एक फोर्स तो हमें पता है टो न्यूटन है अब आपने क्या करना है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है अब आपको पता है कि आपको दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है ये किसी एंगल 30 डिग्री पे है और ये परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए आप एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे जो सीधी नीचे आएगी और ये वाली जो लाइन है इस लाइन का दोनों फोर्सेज से एंगल देखें तो ये नाइन्टी है नीचे वाली फोर्स से भी नाइनटी है ऊपर वाली से भी 90 है और अगर दोनों के साथ एंगल 90 होगा तो यही लाइन हमें चाहिए कपल के टॉर्क के लिए जो दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर हो तो वी हैव टू तो फाइंड द द वैल्यू ऑफ ऑफ लेंथ दिस लाइन अब हम इसको फाइंड करेंगे अब अपने बेटा क्या करना है कि थीट, अब आपको पता ये बन गई है एक ट्राइंगल दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर है ये बेस है और ये हाइपोटनियस अब आपको पता है कि अगर हमें ये लेंथ फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है दोनों फोर्सेस के बीच में तो ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पेंडुलर टू हाइपोटनियस तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा एच आके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ जाएगा एच साइन थीटा तो यहाँ लिख देंगे एच साइन थीटा तो टू एच की वैल्यू बेटा कितनी है हाइपोटिनियस की टू साइन थर्टी डिग्री है और साइन थर्टी डिग्री जो होता है बेटा वो होता है वन बाय टू तो ये बन जाएगा टू इन टू वन बाय टू, टू से टू कैंसल तो एंड टू आएगा तो टू न्यूटन मीटर बेटा इसका आंसर आएगा नेक्स्ट बेटा इसके बाद द रिजल्टेंट ऑफ ऑफ टू मैग्नीट्यूड ये पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है कि अगर आपके पास टू वैक्टर्स हैं एक की वैल्यू फाइव न्यूटन है एक की वैल्यू सिक्स न्यूटन है और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तभी उनका आंसर वन आएगा क्योंकि लार्जर में से स्मॉलर को माइनस हम तभी करते हैं जब दोनों एंटी पैरल हो और एंटीपैदल केस में आ, अगर यहाँ पे एक बॉक्स है इधर से लग रही है सिक्स फाइव तो रिजल्टेंट होगी बेटा फाइव जो कि वन है तो वन होने का मतलब क्या है कि दोनों वैक्टर्स में एंगल कितना होगा वन एटी डिग्री का नेक्स्ट बेटा आ जाए नंबर ट्वेंटी बेटा याद रखें अगर आप फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो बॉडी आ जाती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो अगर आप लीनियर एक्सेलरेशन जीरो करेंगे तो ये होता है बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो करेंगे तो ये होगा बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट अगर आप इन दोनों को जीरो कर देते हैं तो फिर बॉडी आ जाएगी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों एक्सेलरेशन जीरो होने चाहिए। नंबर ट्वेंटी देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल्स बेटा याद रखें कंडीशन है वो होती है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो और नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो होती है जब वो जीरो होती है तो वो होती है फर्स्ट कंडीशन और ये कंट्रोल करती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को नंबर थर्टी देखें अगर टू वैक्टर्स हैं जिनकी वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या उनका सम जीरो हो सकता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक फोर्स टू न्यूटन है और एक फोर्स मान लो फाइव न्यूटन है इवन दो इफ दे आर एंटी पैरेलल लेकिन फिर भी उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता तो इसलिए रिजल्टेंट जीरो होने के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है अगर दो वैक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है तो उन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता तो बेटा दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड चैप्टर तो नेक, uh, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड uh, चैप्टर की वर्कशीट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की और ये आप एनईटी की जो वर्कशीट है ये आप प्यास और फास्ट के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं तो अल्लाह हाफिज बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में